49वीं कहानी परमेश्वर रो नौ वायदो। एक स्वर्गदूते एक जवान छोटोड़ मरियम ले बोलो कि से परमेश्वर रे छोरो ले जन्म दिया। से इबी कुमारी थी पर पवित्र आत्मा तिया कह आशो और से गोरकड़ी हुई। तिये एक छोरो ले जन्म देव जासरो नाव तिये यीशु छाड़ो। यीशु परमेश्वर और आदमी दुया आसा। ईश्वर बड़ी चमत्कार किए जेत कोरी पतो लगा सकी से ऊ परमेश्वर से ऊ पानी माथे हांडो और बोरी बागुर शांत किए। तिणीए बोरी सारे बीमार लोग चंगे किए और बोरी सारे लोगों को बुरी आत्माएं गाड़ी। तिणीए मोरे होंदे लोग जीवंदे करी गए और तिणीए पांच रोटी और दुई मछी 5,000 लोगों ले खिलाई। यीशु एक महान गुरु भी था। जो कुछ भी तिणीए सिखाओ से वो अच्छे करिए सिखाओ। जो से वो लोग ले करना ले बोला आसा से वो तिवे करना चाहिए क्या कि से वो परमेश्वर छोर सा। तिणीए सिखाओ कि तुम्हें और लोग आईले तिणी प्यार करना चाहिए जीण तुम्हें आपू आईले प्यार कराई। तिणीए इनो भी सिखाओ कि तुम सारी चीजों को जादो अपनी धन जायदाद को भी जादो परमेश्वर आईले प्यार करना चाहिए। ईश्वर बोलो कि संसार आदि केजी भी चीज पाइने को बोरिया छो सा परमेश्वर राज्य दी हुणो। तेसरे राज्य दी तुम्हारो डेवणो जरूरी सा कि परमेश्वर तुमु तुम्हारे पापा को बचावा। ईश्वर बोलो कि कुछ लोग तेस मानाई परमेश्वर त्यों लोग बचावा पर दूजे लोग तेस नहीं मानदे। तिणीए इनो भी बोलो कि कुछ लोग इं दोतरी रे जीने कहले कि से यीशु रे बारे दी अच्छी खबर नहीं मानदे और परमेश्वर त्यों बचावा सा पर कुछ लोग बाटरी काठे माटे बसिए परमेश्वर रो वचन बीजा रे जीणो बाटा दी पोड़ा सा पर तिये कुछ नहीं जम दो। ये लोग यीशु रे बारे दी खुशखबरी नहीं मानदे से तेसरो राज्य दी देवणाले इनकार कराई। ईश्वर सिखाओ कि परमेश्वर पापियों को बड़ी प्यार करा सा से त्यों माफ करने चाह सा और त्यों अपनी औलाद चाननी चाह सा। ईश्वर इनो भी बोलो कि परमेश्वर पापा को नफरत करा सा कहले कि आदम और हवे पाप कियो इथीले त्योरे सारे वंशजे पाप कियो। इस संसार दी रोने वालो हर एक आदमी पाप करा सा और परमेश्वर को दूर हर एक आदमी परमेश्वर रो दुश्मन पर परमेश्वर इस संसार दी रोने वाले हर एक आदमी को इनो प्यार कियो तिणी अपनो एकलो तो छोरू दे गो ताकि परमेश्वर त्यूले सजा न दिया। जुण तेस मथे विश्वास कराई इतरी बजाय से तेसाइले सदाले रोई। तुम्हें मरना रे लाए कि कहले कि तुम पाप कियो तुमको परमेश्वर रो नाराज होनो ठीक ही सा। इतर मतलब से यीशु मथे रुशिया तिणीए यीशु ले क्रूसरी मौत री सजा देई। यीशु के भी पाप नहीं कियो पर तिणीए परमेश्वर तेसले सजा देने देओ। तिणीए मोर न मानो इणे करी तुम्हारे पाप और इस संसार दी रोने वाले हर एक आदमी पाप उठावना ले से एक पाको बलिदान थो। ईश्वर आप परमेश्वर ले बलिदान करी गो इथीले केजे भी पाप ले इधर जाओ कि बड़ो पाप भी माफ करा सा। भले ही तुम्हें बोरी का अच्छे काम कराई तेवे भी एत करिए परमेश्वर तुमु नहीं बचाऊ दो। तीसरो गोष्ठन बनना ले इनो कुछ भी नहीं है जो तुम्हें करी सकाई। इतरो मतलब तुम विश्वास करनो सा और तुम्हारे बदले हाँ क्रूसा माथे मरी गो और एव भी कि परमेश्वर से ऊ तो जीवन दो करी गो। अगर इतम विश्वास करा ले तब परमेश्वर तुम्हारे पाप माफ करा सा। परमेश्वर तेस हरेक आदमी बचावा जो यीशु माथे विश्वास करा सा और तेस अपनो प्रभु माना सा पर से ऊ त्यू नहीं बचाऊ दो जो तेस माथे विश्वास नहीं कर दे। एव कोई मायने नहीं छाड़ दो कि तुम्हें अमीरी या गरीब
आदमी हुआ या छेवड़ी हुआ, बूढ़े हुआ या जवान हुआ, तुम्हें किए रोई परमेश्वर तुमको प्यार करा सा और चाहसा कि तुम्हें यीशु माथे विश्वास करो किसे हु तुम्हारो गोष्ठन बन सक। यीशु तुम अटाउंदे लागंदो कि तेस माथे विश्वास करो और बपतिस्मा नियो। का तुम्हें विश्वास कराई कि परमेश्वर इकलौतो छोरू यीशु ही मसीहा सा? का तुम्हें विश्वास कराई कि तुम्हें एक पापी और इनो कि तुम्हें परमेश्वर के जरिए सजा देने लायक? का तुम्हें विश्वास कराई कि तुम्हारे पाप मिटाने ले यीशु क्रूस माथे मोरो? अगर तुम्हें यीशु माथे और जो तिणिय तुमले कियो तेस माथे विश्वास कराई तो तुम्हें एक मसीह। शैतान अपने इनारे रे राज्य दी आबे तुम माथे राज नहीं कर दो। आबे परमेश्वर अपने प्याशे रे राज्य दी तुम माथे राज करा सा। तिणिये तुम्हें पाप करने को रोकी गए जो तुम्हें करते तिणिये तुमले एक नई अच्छी जिंदगी दे सा। अगर तुम्हें एक मसीह था जो ईश्वर की होवा तेतरी वजह को परमेश्वर तुम्हारे पाप माफ करी गए। आबे परमेश्वर एक दुश्मन जीणो तुम एक पाको दोस्त माना आसा। अगर तुम्हें परमेश्वर गोष्ठणी और प्रभु यीशु रे सेवा करने वाले ही तो तुम्हें त्यों बुशु मानने री इच्छा करा ले जो यीशु तुमके सिखावा आसा। भले ही तुम्हें एक मसीह शैतान इबी भी पाप करना ले तुम अजमावा पर परमेश्वर हमेशा तेस करा जो से वो बोला सा कि से वो करा सा। से वो बोला सा कि अगर तुम्हें अपने पाप मानो तो से तुम माफ करा। से तुमको पापरे विरोधी लड़ने री ताकत दिया सा। परमेश्वर तुमले प्रार्थना करने और तेसरे वचन पढ़ने ले बोला सा। से तुम और विश्वासी रे साथी मिलियो तेसरी आराधना करने ले भी बोला सा। तुम और लोगों के भी बोलनो जा सा कि तिणिये तुमले कहा कि हो। अगर तुम्हें यूं सारे काम कराई तो तुम्हें तेसरे एक पाके गोष्ठन बनाई।